नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं आपके सामने लेके आया हूं करोंदा। ये भी बहुत ही छोटी फल वाली फसल है जिसकी बात करेंगे अपन। इसके हाइलाइट्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नहीं क्योंकि छोटी सी क्रॉप है यह। तो करोंदा, करोंदा का वानस्पतिक नाम होता है केरिका कैरेंडस। केरिका कैरेंडस इसका वानस्पतिक नाम है। कुल जो है इसका एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी कुल से यह संबंध रखता है। सूखे करोंदों में 39% आयरन होता है, आयरन होता है, एफी होता है, और इसी आयरन की वजह से यह करोंदा खाने से एनीमिया, एनीमिया रोग के जो रोगी होते हैं उनके लिए जो है लाभप्रद माना गया है। एनीमिया रोग नहीं होता है, शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है क्योंकि उसके अंदर आयरन पाया जाता है। आयरन आप जानते हो कि ब्लड की फॉर्मेशन में सहायक होता है। इसका प्रवर्धन भी किससे करते हैं? बीज से करते हैं, क्योंकि इससे पहले अपन ने पढ़ा पपीता, पपीता का भी इसी से करते हैं। इसके बाद अपन ने एसिड लाइन पढ़ा, यानी कि नींबू पढ़ा, नींबू में भी इसका प्रवर्धन बीजों के द्वारा ही करते हैं। इसके बाद अपन ने फालसा पढ़ा, तो फालसा के प्रवर्धन बीजों से ही करते हैं। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं करौंदा, तो करेंद का भी जो प्रवर्धन होता है वह बीजों के द्वारा ही होता है। इसके बाद करौंदा की जो उत्पत्ति स्थल है या इसका भी उत्पत्ति स्थान की बात करें, जैसा फालसे का उत्पत्ति स्थान जो था भारत था, तो इसका भी उत्पत्ति स्थान जो है वह भारत ही है, जो अपने को मालूम होना चाहिए। और करौंदा एक प्रकार का जेरोफाइट, जेरोफाइट प्लांट है, यानी कि मरुद्भिद पादप माना गया है। यानी कि कम पानी वाली जगह पर भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, इस पौधे को लिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे करोंदे के बारे में जो अपन यहाँ पे देखे हैं। तो कौन कौन सा पॉइंट्स जो है एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है और अपने को ध्यान रखना ही रखना है? तो सबसे पहली बात, तो सूखे करोंदों में सबसे ज्यादा आयरन होता है जिसकी वजह से यह एनीमिया यानी खून की कमी नहीं होने देता है। तो एनीमिया से बचाव के लिए करोंदे का सेवन करना चाहिए। और इसका प्रवर्धन किससे करते हैं? तो बीज से करते हैं। अपने देखा कि किस किस का बीज से करते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये दो पॉइंट ही इसके इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखने हैं। थैंक यू वेरी मच।